ये शादी का कार्ड देने आए थे खाला, और कहते गरीब की शादी में आपा आना जरूर। मैं बोली मैं अमीर की शादी में नहीं जाऊंगी खाला, लेकिन ये शादी में, गरीब की शादी में जरूर आती हूँ। बोले वो तो मालूम है आपा हम लोग को, तो माशाल्लाह मैं उनको माँ की जगह पे देखती हूँ, और मेरे सुख दुख में बहुत उन लोगों ने मेरा साथ दिया। अभी भी बोल कर गए भले तुमने धंधा बंद कर दिए, लेकिन मैं आके मेरे पास बैठा तो करो, पहले इंशाल्लाह आऊंगी। और उसी के साथ साथ आज अभी एक रात की दावत भी आई है, और उसी के साथ एक शादी और है, जो फोन पे एड्रेस मांगा गया है कि एड्रेस भेजना, हम लोगों को आना है घर पर। आज हम लोग का इरादा है बाहर खाने का, लेकिन अली जस्ट अभी आया, उसको लगी है भूख, तो थोड़ा सा मैंने स्नैक्स बना के उसको दे दी। और कब से बिग बॉस लगाने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन बिग बॉस लग नहीं रहा उसे। पिछले व्लॉग में बताई थी ना आपको कि आज शाम का जो खाना है या पार्टी जो भी है मेरे बेटे की तरफ से, तो जा रही हूँ अभी मेरे बेटे के साथ कुछ खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ खाने का स्पेशल बोला था, लेकिन कुछ काम की वजह से फिर अली को जैसे मैंने स्नैक्स बना के दी, उसके बाद फिर सोसाइटी के कुछ लोग आए थे तो उनसे बात करने में टाइम चला गया, और अमीन को भी कुछ काम था, वो अपने काम में नीचे उतरा हुआ था, तो वो गया है थोड़ा लेट। अब जो खाने की नीयत थी अगर वो मिले तो ठीक, नहीं तो फिर पता नहीं अब क्या खाएंगे वो नहीं पता है, पर जो खाने की नीयत थी पहले हम वहाँ जाएंगे, अगर वो मिला तो मैं बताऊंगी आपको कि ये खाना था। अमीन ने मुझे बोला था कि आज चलो मैं आपको ये खिलाता हूँ, अब वो बंद हो गया होगा तो फिर दूसरा कुछ देखते। मैंने बताई थी ना पहले जाएंगे हम वहाँ, दिखा नाम नहीं दिखा, हाँ ये वाला क्या नाम है, गुड फ्लिपिंग बर्गर। हाँ ये नया ओपन हुआ है और इसके दोस्तों ने बहुत तारीफ की है, और मेरा बच्चा मुझे लिए बिगड़ जाता नहीं है कहीं, तो बोला चलो हम लोग खा कर आते मैं खिलाता हूँ। पर वहाँ पे डाइनिंग बंद हो गया है, वैसे पार्सल मिल रहा है गाड़ी में खा सकते, तो मैंने बोला मुझे गाड़ी में नहीं खाना, मुझे अंदर जाके खाना है, तो बोले चलो फिर कल लेके आऊँगा, तो अब जाते कहीं दूसरी जगह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा गला बैठा हुआ ठंडी, और उसके बाद रात को अमीन के साथ बहुत मेरी तूतू मैमे हुई, क्योंकि हम गए थे खाने के लिए, वहाँ पे हो गया था बंद, और अमीन ने मुझे दोपहर से प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको ये बर्गर खिलाऊंगा, और मैंने वही, मतलब कहते हैं ना कि यार एक वो चीज़ आप सोच रहे हो और वो होता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट हो जाती, वो उस टाइप का मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट हो गई थी। अमीन लेकर गया, जैसे कि मैं आपको दिखाई बर्गर हो गया था बंद, फिर वो मुझे दूसरे रेस्टोरेंट में ले गया, बट जैसे वहाँ पार्किंग के लिए चाबी देने लगे तो पता नहीं एक अजीब से अंदर मेरी चिड़चिड़ाहट होने लगी, पहले मुझे नहीं खाना है, बोला खा लो मम्मी मैं आपको कल ले जाऊँगा, वो 50 मरतबा मुझे सॉरी बोलते ही रह गया, लेकिन पता नहीं मैं ऐसे ही हूँ, जब मुझे गुस्सा चढ़ता है मैं देखती नहीं हूँ कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और ये सबसे बुरी आदत है मेरी। मैंने अल्लाह पाक से इतनी मरतबा अपने लिए मांगी हूँ कि मुझे ठंडक दो, मुझे सब्र दो, पर सब्र आ जाता है, पर पता नहीं फिर कहीं से कुछ ऐसा होता है कि गुस्सा जब आता है तो कोई चीज़ मेरे अंदर समझ नहीं रहती कि ये चीज़ गलत है या चीज़ सही है, बस उस टाइम जो करना है वो कर देती हूँ, बट बाद में रियलाइज होता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतना जवान बच्चा अगर मुझे 50 टाइम सॉरी बोलता है तो बहुत बड़ी बात है, कि आज के दौर में ऐसे भी बच्चे जो बिना गलती के भी अपने माँ बाप को सॉरी बोलते हैं। तो मैंने रात को तो कुछ नहीं बोली, और रात को ना मैंने खाना खाई ना उसने खाना खाया, फिर आके मैंने भी थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लेक्स खाई, उसने भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स खाया, बस वही अभी फिलहाल तो निकाली हूँ चीज़, और ये लाई थी मैं ब्रेड, उसके साथ निकाली हूँ दूध, और उसके साथ निकाली हूँ पीनू के लिए खाना, तो अभी बच्चे तो दोनों सोए हैं, देखते जैसे भी उठने के बाद जैसा भी हो, और उसने मुझे बहुत बार सॉरी बोला, और ये मुझे अभी एहसास हुआ कि इतना जवान बच्चा मुझे सॉरी बोलता है, तो मैं बहुत खुशकिस्मत माँ हूँ जो ऐसे बच्चे हैं मेरे। मैं आपको बता रही थी ये ब्रेड नहीं एक्चुअली, अभी मैं पढ़ी हूँ जब खोली इसको बनाने, तो उसमें कुलचा पराठा, ये है कुलचा पराठा, और मैं बहुत सारा चीज़ लेकर आई थी, मोजरेला चीज़ जो रेडी रहता है घिस कर, तो उसको मैंने इसमें डाली और थोड़ा सा गर्म करी हूँ, उसके साथ बनाई हूँ मस्त इलायची वाली चाय, क्योंकि ठंडी चालू हो गई तो इलायची हो या फिर दालचीनी हो या फिर अदरक,
इसकी चाय पियो तो ज्यादा बेटर होता है। और पहली बार ऐसा हो गया कि मैं ये सब पहनकर ही रात को सो गई, क्योंकि गुस्से में थी, कुछ समझ नहीं, तो ये सब बड़ी उलझन करता है। मैं कभी पहनकर कुछ सोती नहीं। खैर कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ होती है ना तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखना चाहिए। तो जैसे सुबह एहसास हुआ मुझे कि बच्चे जब इतने बड़े हो के आपको ये चीज़ बोलते हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो और उनकी कदर करो। तो मेरे बच्चों की कदर तो मैं बहुत ज़्यादा करती, पर कुछ ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें उनकी वैल्यू पता चलती कि कितने वैल्यूबल वो हमारे लिए लाइफ में है, तो हमें उसकी वैल्यू करना भी चाहिए। तो आइए मस्त चाय एंड क्या बोलते हैं कौन सा पराठा बता बताया था मैंने अभी आपको, खुला है ना वो लाइन, इसको जरा हम रिव्यू लेंगे जो रात को हमारी तूतू मैमे हुई है। तो उसमें अभी उसकी दीदी को बता रहा है कि मेरे कान से गर्म हवा निकल रही थी, क्यों निकल रही थी जरा आप अपना रिव्यू दीजिए। और धोती मिलना चाहिए। बताओ क्यों निकल रहे थे आपके कान में से गर्म हवाएं? मम्मी मसाज कर रहे थे तो थोड़ा ज्यादा जोर से हो गया मसाज। कितने लापे पड़े थे रात को तेरे को? कान पे दबा दिए। गिना था कि नहीं गिना था? नहीं नहीं गिना था। मैं बताऊं चार, हाँ चार तो थे मैक्सिमम, मेरे को भी याद नहीं था, गुस्से में फाट फाट देते गई हूँ। वो स्कूल में सिखाते ना बापूजी, इसको चक्कर, इसके चक्कर में मेरे हाथ में दर्द उठ गया। अबे तूने मेरे को दिल से कुछ बोला था क्या? मेरे हाथ में दर्द उठ गया और सुबह से गर्म पानी की थैली ढूंढ रही थी और मेरी बेटी ने मेरे को याद दिलाया, खाला वो छोटी वाली है ना आपके पास, बड़ी वाली थैली तो मिल गई थी। कान से इतने के लिए बता जरा, देखना पड़ेगा उंगली उंगली के निशान तो नहीं, लेकिन गुस्से में क्या मस्त हाथ उठते ना, तो पावर आ जाते ना हाथ में। अभी किधर जाने का वो बताओ यार। क्यों अच्छा तूने लाफा क्यों खाया था रात को? सोशल मीडिया पे बेइज्जती कर रहे हैं आप मेरी। अच्छा मम्मी की लाफा खाने से बेइज्जती होती है? लेकिन ये सब हुआ क्यों था? वो था ना बर्गर की वजह से हुआ था ना शायद। हाँ यार कितना बर्गर तो मिला ही नहीं, बर्गर के चक्कर में सब कुछ हो गया। तो अभी आगे क्या? तो अभी आज खाएंगे, चलो अब मूवी भी देखेंगे। मस्त है ना वो एनिमल ना। हाँ तो तू एक काम कर, तेरे फोन, इसका फोन वीन सब मेरे पास लेके सोई थी रात को, मैं कुछ नहीं देने का, बोले जाओ अकेले बोरिंग हो जाओ। कितने बजे की टिकट देखो खाली वो बता। चल तू चेक कर, तब तक मैं कल वाली पहनती, इतनी अच्छे से मैंने वो ड्रेस निकाली थी और उधर किधर गए नहीं अपने, वही पहनती हूँ। चल तू कभी जाने वाली? अभी जाएगी? हाँ वो भी सब निकाल दे, वो बॉक्स भी निकाल दे, और पीनू का खाने का खास करके ध्यान रखना क्योंकि आज हमारे घर पे होने वाला है प्रेस कंट्रोल, तो उसके लिए सारी किचन खाली करना रहता है। तो जैसे कि आपको पता, मैंने बता रही हूँ थोड़ी थोड़ी चीजों में कि रात से जो मेजर प्रॉब्लम हुआ है हम दोनों के बीच में, तो उसका जो एंड है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो एंड हो चुका है बट कमिटमेंट इज कमिटमेंट। Right. ये मम्मी ने मेरे लिए गिफ्ट लिए थे बैंकॉक से, मेरे को भी आज मालूम पड़ा। और ये मैचिंग, अरे हाँ, मैचिंग हो, अच्छा लग रहा है। लेकिन चलो तो अब हम जा रहे, जो मतलब कमिटमेंट पूरा करने मेरा बेटा लेकर जा रहा है, और उसके बाद जैसे मूवी का प्रोग्राम तो है, पर ये नहीं पता कि इस ब्लॉग में आपको बता पाऊंगी या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज घर में काम है तो थोड़ा सा टाइमिंग का डिफिकल्टी है, तो जाऊंगी तो बताऊंगी। तो जरूर एक बात बताओ, आपको आज मटन का कुछ खाना है या चिकन? मैं आपको स्पेशल दोनों के, अगर जैसे हम लोग ने वो दुबई में खाए थे ना वो हार्डीज, हार्डीज बर्गर, अगर वैसा रहेगा तो मटन ही। शुभ घड़ी बर्गर खाने आ गए वही जगह पे जहाँ पे बहुत सारा क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था ना। रिव्यू दो, रिव्यू आज की शुरुआत मीठे से। एम्बियंस कैसा लगा आपको? मीठा हो जाए एम्बियंस, मुझे लगता है ये जिसने ओपन किया ना ये यहाँ का बंदा नहीं है। क्योंकि ये सारा जो सेटअप है ना, हम लोग घूमते रहते तो हमने वहाँ का भी सारा, वहाँ मतलब इंटरनेशनल देखा है हमने, सेम रहता है वहाँ का। मटन ये एटॉमिक टेंडर चिकन, चिकन ये मटन और ये बाप रे डर्टी फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज तो खाते ही होंगे बट ये चिकन के साथ फ्रेंच फ्राइज है, उसके साथ फुल लोडेड चीज, फुल हैवी। रिव्यू तो खाने के बाद देंगे सर। ये देखो बहुत ज़्यादा स्किन निकल, टमेटोज भी है।
और फर्स्ट बर्गर फर्स्ट बाइट होने जा रहा है मिस्टर अमीन सत्तानी। कैसा लग रहा है आपको? और ये है मटन ना? गुड। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप जो दुबई में हार्डीज बर्गर खाए थे और इंडिया में आप मटन बर्गर खा रहे हो, तो दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको? बन का बट जो बट जो मैं आपको रिव्यू दे रही थी कि वहाँ के मटन में जूसीपन था, सॉफ्टनेस था, तो वो फील हो रहा है आपको? हो रहा है? चलो तो दुबई ट्रिप, फिर दुबई ट्रिप हम नहीं कर सकते, हम यहीं पे कर सकते हैं सब चीजें इंजॉय। तूने नोटिस किया था कि नहीं किया था? बताओ। ये देख जूस देख। और क्या जूस में? तो मटन खाने का मतलब ही यही होता है कि वो टेंडर होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और उसके अंदर जूस होना चाहिए और वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट कुक्ड होना चाहिए। तो ये परफेक्ट है। और यहाँ का रिव्यू ये है कि हम नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी यहाँ फिर से आएंगे। ऑलवेज मेरा बेटा हैप्पी रखने की कोशिश करता है मुझे। थैंक यू। माशाल्लाह सब अच्छे से हो गया। मूवी जाने का प्रोग्राम था लेकिन घर में जो प्रेस कंट्रोल को टाइम दिए है तो वो टाइम पे मुझे रहना पड़ेगा। हालांकि सब सफाई सब वो सामान जो भी करना था सब अच्छे से हो चुका है। मुझे फोन आ गया है और मैंने जैसे हमेशा ही आप लोग देखते होंगे मैं जब भी जहाँ भी खाने के लिए जाती हूँ अली रहता नहीं है तो हमेशा मेरे हाथ में एक चीज आपको दिखती होगी पार्सल की, तो वो मैं हमेशा अपने दोनों बच्चों को मैं एक ही नजर से देखती हूँ। वो नहीं आता है तो भी नो प्रॉब्लम, पर मैं उसके लिए हमेशा पार्सल ले जाती हूँ। और अभी तो मेरी बेटी भी रहती है तो मैंने दोनों के लिए ले ली हूँ पार्सल और जा रही हूँ। अब वहाँ पे सब जो भी घर का काम है वो सब करके आज खाना तो बिल्कुल किचन बंद है। आज हमारा किचन अब रात को भी नहीं खुलने वाला। क्या बोलते हैं, हो सका तो खाली बोमबिल फ्राई एकदम कड़क वाली वो बनाने का इरादा है क्योंकि बोमबिल साफ कर कर रखने के लिए बोली थी मैं। अगर वो बनाए तो बनाए, नहीं तो आज किचन की हमारी छुट्टी है। और उसके साथ साथ फिर शाम का जो भी प्रोग्राम रहेगा, ऐसे तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इतना हैवी था वो कि मुझे इतनी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कब जाऊँ और जाके सो जाऊँ। तुझे भी नींद आ रही है? तो पता नहीं, अब अगर सो गई तो फिर शाम का वापस प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो, बट देखते हैं जैसे भी रहेगा। लेकिन जो अब तक का दिन भर का जो टाइम है बहुत अच्छा बीता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जैसे शाम का टाइम है तो असर मगरिब का भी टाइम होता है और माशाल्लाह ये सब टाइम पे मैं घर आ ही जाती हूँ। तो अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि हम जब अल्लाह को चाहते हैं ना तो अल्लाह भी अपने करीब दिल से हमें बुला लेते हैं। तो बस वो जज्बा होना चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए दिल में। तो बस अब जा रही हूँ घर। असर मगरिब के टाइम तो घर पर रहूंगी, घर के काम के साथ साथ मेरे दिल की जो खुशी है अल्लाह पाक के पास करीब रहने की वो भी रहेगी। उसके बाद देखते हैं अभी शाम का जैसे भी। सो गए तो कोई बात नहीं, जगते रहे तो निकल पड़ेंगे। ये मुझे सबसे प्यारी चीज है, क्यों पता है? ये इतनी पुरानी हो गई है, कहीं तो एक हल्का सा इसमें सुराख भी हो गया, पर मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं पहली बार उमरा करने गई थी ना तो ये मैं जोगेश्वरी से जाके पर्सनली ये अबाए काफी सारी बाकी कराची जो चादर होती है वो सब खरीदी थी। तो ये मेरी बहुत मतलब मीठी यादें हैं, तो ये मैं कभी फेंकती नहीं, उसको बहुत संभाल कर रखती हूँ। और माशाल्लाह हो गया असर का टाइम और उसी के साथ साथ जैसे मैं पैरों की तकलीफ की वजह से ज़मीन पे बैठ के आजकल नमाज नहीं पढ़ती हूँ, तो कहाँ पढ़ती हूँ बताती हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पढ़ती तो सजदा होता है मेरा, तो आज मैं वहाँ नमाज भी नहीं पढ़ सकती, बताती हूँ आपको। ये यहाँ पे मैं आपको हमेशा दिखाते रहती हूँ, यहाँ मेरी जानेमाज रहती है। तो यहाँ पे कैसा होता है, मैं चेयर पे भी बैठती हूँ ना तो यहाँ पे मेरा झुक कर सजदा भी हो जाता है। बट आज पूरा सारा जो किचन का सामान है सारा यहाँ रखा हुआ है, तो अब यहाँ तो मैं पढ़ नहीं सकती है। ये है कि चेयर को भले अंदर लेकर जाऊँ पर मैं सजदा नीचे जैसे जहाँ पे जमीन को टच करके करती हूँ वो आज नहीं होगा, बस ऐसे झुक के सजदा कर सकती हूँ। तो फिर आज पढ़ लेती हूँ क्योंकि बेडरूम तो बिल्कुल खाली रहता है। और यहाँ पे पढ़ा करती थी मैं मेरी जानेमाज बिछा के नमाज माशाल्लाह नीचे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दवाई खा रही हूँ, ध्यान रख रही हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँ क्योंकि मैं कभी कोई चीज़ में हार नहीं मानती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से मैं ज़मीन पे बैठूँ और नमाज पढ़ूँ
और मैं को एक 100 मरतबा नहीं 1,00,000 मरतबा वो कोशिश करूंगी कि मैं जमीन पे पढ़ के जमीन पे बैठ के फिर से पहले जैसी नमाज पढ़ सकूं। ये देखो जैसे ही मैंने चेयर लाके यहाँ पे रखी वैसे मेरे पीनू नींद में से उठ के आके यहाँ पे बैठ गई। आपने मैं मोस्टली आपको दिखाती हूँ सुबह का टाइम हो फजर हो या फिर मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भी अगर नमाज पढ़ती हूँ तहज्जुद की तब भी ये बच्ची मेरे पास ही रहती है। और नीचे बैठने का इन द सेंस में जैसे आपको बता रही हूँ कि नीचे बैठ के नमाज बैठने होता है लेकिन जैसे सजदा करने के लिए पैर फोल्ड करना रहता है ना बस वहाँ पे मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीन पे बैठ तो सकती हूँ पर जो मुझे नमाज पढ़ना रहता है फोल्ड करके पैर बस थोड़ी सी पैरों में तकलीफ है। इंशाअल्लाह ताला नीयत साफ है ना तो हर चीज आसान है तो अल्लाह पाक ये भी जो मुश्किल है ये भी दूर कर देंगे। माशाल्लाह मगरिब की नमाज भी हो गई और अभी अगरबत्ती 2 बार और आज क्या हो गया जो आने वाले थे प्रेस कंट्रोल के लिए वो कहीं शायद दूर गए हैं तो आ नहीं सके और हमने सारी तैयारी कर कर रखी थी पूरी किचन खाली करके रखे थे लेकिन वो सर्विस हो नहीं सकी। तो अब देखते हैं जैसे भी क्योंकि संडे है ऑफिस तो उनकी बंद है तो अब जो भी होगा वो कल ही बात होने वाली है। तो फिलहाल अभी नमाज वगैरह तो मेरी ख़त्म हो गई बस लोबान अगरबत्ती लगा दूँ और फिर मैं जाऊँगी चेंज करने क्योंकि मूवी जाना है तो मैं ये कपड़ों में तो नहीं जाऊँगी दूसरे कपड़े चेंज करूँगी। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले ही बताई हूँ कि आज घर पर तो खाना बनने वाला है नहीं पर मैंने बोमबिल डाली थी पानी में कि साफ कर कर रख लूँ दिल करेगा तो शाम में हम कुछ बना लेंगे। बट रेशमा को बोमबिल साफ करने नहीं आता है मैंने उसको बताई थी कि बेटा ऐसे ऐसे कटिंग करके ऐसे साफ कर दे मैंने आके पूछी तो बोलती खाला मैंने 2 कटिंग करी तो वो बीच में से पूरी अक्खी कटिंग हो जा रही थी तो मैंने डर के नहीं करी ऐसे ही पानी में रखा है। तो कोई बात नहीं चलो उसको भी मैं पानी से निकाल के फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि बिल्कुल नज़दीक टाइम है जाने का तो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं उसको साफ करूं और उसको सब तैयारी करूं तो कल कर लेंगे कोई बात नहीं है। और माशाल्लाह सब नमाज वगैरह बहुत अच्छे से हुई चलिए पहले अगरबत्ती वगैरह कर लूं एंड उसके बाद कुछ दिल की बात आई तो बोलूंगी नहीं तो फिर हंसते हंसते बाय बाय करेंगे ना। चलिए सब अगरबत्ती लोबान अपनी अपनी जगह पे रख दी अब जैसे कि मूवी जाना है और मैंने आपको बताया कि मैं ये वाले कपड़े तो नहीं पहनूंगी तो हल्के फुल्के कपड़े पहनूंगी कुछ इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करने वाली बस सोच रही हूँ कोई अच्छा वाला कॉर्सेट पहन लूँ बाकी तो कुछ उसके साथ इतना ख़ास नहीं रहेगा। और दिल तो चाह रहा है जो मैं अजमेर से लेकर आई थी लास्ट टाइम मुझे अयूब ने दिलाए थे कॉर्सेट जो कॉटन के है तो सोच रही वही पहनूं और उस पर कुछ स्टाइलिश नहीं नहीं वो नहीं पहन सकती वो पहनूं तो फिर उसके साथ सारी ज्वेलरी मुझे चेंज करनी पड़ेगी और मेरे पास ना इतना टाइम है और ना मेरा मूड है कुछ चेंज करने का तो देखती हूँ कुछ जो भी समझ में आए वो करती हूँ वो पहनती हूँ। और देख उसके बाद में हाँ अली को फ़ोन किया तो अली भाई थोड़ा लेट आने वाले हैं अमीन भाई को फ़ोन किया तो बोले आप जल्दी तैयार हो मैं आ ही रहा हूँ ऊपर। तो बस ये सब चीज़ों के साथ और दिन भर की छोटी मोटी जो चीज़ें होते रहती तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ और जो है वो है अब उसको कोई बदल नहीं सकता और उसके लिए लेके कोई कुछ कर भी नहीं सकता जो हमारी मुसीबत है वो हमारी है जो हमारी खुशियाँ है वो हमारी। हाँ ये है कि लोग हमारी मुसीबतें अपने सर नहीं लेते लेकिन हमारी खुशियों को लेने की कोशिश ज़रूर करते तो बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए और नहीं भी रखे तो कोई बात नहीं अगर हमसे कोई चीज़ छीनते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी है छीनने दो अगर उनको उसमें खुशी मिलती है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी कि हमारे ज़रिए ही किसी को खुशी तो मिलती है तो वो भी हर चीज़ को क्या करना है हमें पॉजिटिव लेना है जब हम पॉजिटिव लेंगे ना तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे और सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में खुशी का माहौल खुशी का जो फील होता है ना वो हमेशा आपके ज़िंदगी में रहेगा वो कभी नहीं जाएगा। तो बस इसी बातों के साथ और अच्छी अच्छी खुशी खुशी जो मैं अभी पिक्चर जाने का मूड बनाई हूँ उसके साथ और बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ के मैं सच में आप बिलीव करो या मत करो क्योंकि दिल की बातें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही बरकरार रखे क्योंकि जब गम आता है कोई भी रूप लेके आता है तो बहुत तकलीफ होती है और जब उससे लड़ने की बारी आती है ना और जो उससे लड़ता है
वो उसका दिल जानता है और अल्लाह जानता है कि वो कितनी तकलीफों से, कितने जिल्लतों से और कितनी कठिनाइयों से उस चीजों से वो निकलने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं हर पल हर किसी के हक में दुआ करती हूँ, मैं जिसको जानती हूँ उनके लिए भी और जिसको नहीं जानती हूँ उनके लिए भी, कि अल्लाह हर किसी की जिंदगी में खुशियाँ देना और गम दूर दूर तक मत देना। लेकिन जिंदगी है, ये ना हो तो जिंदगी भी नहीं चलती है, लेकिन अगर हो तो हमेशा जब आप अपने हक के लिए दुआ करोगे ना गम में, तो इंसान हर वक्त अल्लाह के पास दुआ ही करता है। तो बस दूसरों के लिए भी मांग लिया कीजिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए भी बहुत बेहतरी होती है। तो बस इस बातों के साथ अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा अपनी खुशियों का ध्यान खुद रखा कीजिए।